हेलो गाइस नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आज की कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हम वापस आ गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव ने रिप्लाई दे दिया है क्रेजी दीप के रोस्ट वीडियो का। चलिए देखिए क्या कहा उन्होंने इससे रिलेटेड। मेरे ऊपर एक रोस्ट निकाल रखा हमारे एक भाई ने, अपना एक भाई है तो नहीं कोई हेट नहीं है ना कोई, वैसे मजाक मस्ती वाली बात है। तो बस वो बोलना था कि उसमें ना जैसे कि सही था रोस्ट, था नो डाउट कंस्ट्रक्टिव रोस्ट था, क्रिटिसिज्म था, बंद करना एक बार इसको, आपको पीरियड लगवा दे। क्रिटिसिज्म था कंस्ट्रक्टिव, बहुत सारी चीज़ें उसमें सही भी थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें पुरानी थी, मतलब जिनका कोई इस टाइम मेरे साथ तुक नहीं बनता किसी की पुरानी वीडियो उठा के। अब मैं चलो मैं तो करता नहीं है काम। बाकी उसमें एक चीज़ मेरे को काफ़ी सीरियस लगी जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसने हाथरस वाले केस को लेकर, मतलब इतना बड़ा सीन, मतलब इतना बड़ा केस को मेरे इससे कंपेयर करा, वो चीज़ मेरे को काफ़ी गलत लगी। बाकी ओवरऑल भाई मेरे को कोई हेट नहीं किसी से, दुनिया रोस्ट निकालती है, पहले भी निकालती थी, अब भी निकाल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तुम्हारा भाई अब वो हो चुका है, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुका, तृप्त हो गया, इनसे आगे बढ़ गया, जिंदगी में आगे निकल गया, कई बार पीछे रह गए, कोई नहीं बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। तो क्या सौरभ जोशी अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं, उन्होंने आज के ब्लॉग में इससे रिलेटेड क्या कहा, चलिए देखिए उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप, फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइस मेरा मन है इस तरह कोई रेस्टोरेंट खोलने का, इन्वेस्टमेंट करने का, इस तरह कितना सुंदर सा लग रहा है, ऐसी कोई खोलो अपने नाम से ना। माइंड में प्लान तो बहुत कुछ, अभी घर भी बन रहा है, गाँव घर भी बनाना है, बहुत कुछ है माइंड में, कोई बजट ही मची है मेरे तो, समझ में जा रहा है कैसे कैसे करूँ सब कुछ। अब तो मतलब काम इतने सारे करने का मन कर रहा है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा इतना, ब्लॉग बनाऊँ या फिर काम ही करूँ, घर बनाऊँ, ऐसा टाइप का जहाँ पे रूम्स भी हो रहने के लिए, जहाँ आप लोग आ सको मिलने के लिए, तो मेरा प्लान है ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट का। बात सौरभ जोशी की हो रही थी, सौरभ जोशी प्रिया दाभा का न्यू सॉन्ग का टीजर आउट हो गया है, फुल सॉन्ग 13 मार्च को आने वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही यूट्यूब की तरफ से। तो यूट्यूब के 6 चैनल को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये चैनल खालिस्तानी ग्रुप को प्रमोट कर रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को इन चैनल पे एक्शन लेना पड़ा एंड इन्हें बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही लक्ष्य चौधरी की तरफ से। तो क्या लक्ष्य चौधरी ट्विटर को क्विट करने वाले हैं, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, एक दिन ये ट्विटर मेरी बर्बादी का कारण बनेगा, मेरे करियर की मावन एक करेगा ये, इससे पहले इसे ही क्विट कर दूंगा, शायद से वो ट्विटर पे चल रहे कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा की तरफ से। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मेटा अब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रील्स बोनस को बंद करने वाला है, जैसे कि इंस्टाग्राम मंथली बोनस देती है अपने क्रिएटर्स को, अब शायद से वो बंद हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही एम एस धोनी की तरफ से। तो एम एस धोनी की क्रेजी फैन की बात करते हैं, जिन्होंने अपने ही शादी के कार्ड पे एम एस धोनी का फोटो छपाया एंड सारे रिलेटिव को भेज दिया, काफी क्रेजी फैन ही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही टेक चैंपियन सपोर्ट के बारे में। तो क्या टेक चैंपियन सपोर्ट साइबर कंप्लेंट करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर के ऊपर, जैसे कि उनकी वीडियो को हटाने के लिए स्ट्राइक दिया गया था मिस्टर इंडियन हैकर की तरफ से एंड इसके बाद दोबारा उनकी वीडियो को टेक डाउन करवाने की कोशिश करी गई है, जिस पर रिएक्ट करते हुए टेक चैंपियन सपोर्ट ने कुछ ये कहा। बिल्कुल, अब उस दिन जब यूट्यूब ने नहीं डिलीट किया, लात मार दिया, फिर से आज उस कंपनी ने दो बार ट्राई किया और दोनों बार फिर यूट्यूब ने हटा दिया, फिर रिजेक्ट कर दिया। चाहते क्या भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ गए भाई, मेरे वीडियो के पीछे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सुधर जाओ दिलराज भाई हैं। अरे तुमको प्रॉब्लम थी तुम बताते, हमको मेल करते, नंबर से बात करते, कंपनी के लोग, कंपनी खुद सहूर नहीं है, वो क्या डिलीट करवाएगी इससे, हमें हम भी बहुत परेशान हैं, ना वीडियो सही से बना पा रहे, मूड ऑफ रहता है, दिमाग खराब हो रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हम भी सोच रहे हैं हम भी कुछ कंप्लेन करें साइबर में, और जाके साइबर रिपोर्ट करेंगे, और फिर अगर हम रे लेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि पीछे पड़ गए, हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं भाई साहब, दिखाते हैं आपको मेल, अभी दो बार आज फिर रिजेक्ट किया, साइबर रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे हमारे चैनल को डिलीट करवाने की कोशिश की जा रही, बेवजह फेक स्ट्राइक डलवाने की कोशिश की जा रही है, और फेक स्ट्राइक के तहत हम भी कंप्लेन करेंगे, ऐसे करके अब काम नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि वो कंपनी के जरिया कंपनी का सहारा ले रहे हैं, तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसा करके काम नहीं चलने वाला है ना, अभी भी समय है, सुधर जाओ, जब स्ट्राइक नहीं दे रहा यूट्यूब तो क्यों फेक स्ट्राइक भेजने के चक्कर में लगे हो भाई दिलराज भाई, उस कंपनी से बोलो कि भैया नहीं डिलीट हो रही, क्यों लगे पड़े हो, आपके बिना कहने की वजह से थोड़ी ना ऐसे, आपने कहा होगा तभी तो जाके वो डिलीट करवा रही है। गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को करें लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।